लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पढ़िए जनाब पढ़िए, आज की ताजा खबर पढ़िए। गृह मंत्री भागवत चौधरी की बेटी का अपहरण, गृह मंत्री भागवत चौधरी की बेटी का अपहरण। दो रुपए। कर्नल कौल के बेटे अजय कौल ने उसे आतंकवादियों के हाथों सौंपा। सरकारी कुर्सी पर बैठकर आतंकवादियों के लिए काम करता है सत्तर। मारो ताले को, मारो। क्या? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अंदर। जाओ बैग। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हट जाओ। क्या हुआ सुधा? देखिए ये लोग पत्थर पर पत्थर मार रहे और कह रहे कि हम गद्दार हैं। अब मारो पत्थर। खड़ा हूं मैं यहाँ, किसको अपनी बहादुरी दिखानी है दिखाओ। गद्दार नहीं है हम लोग। पिछले 40 सालों से पूरी ईमानदारी से अपने देश की सेवा कर रहा हूं मैं। अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए कई बार मौत का सामना किया है मैंने। तुम लोगों के लिए मेरे बेटे ने जो किया है उससे हमारी आत्मा को भी चोट पहुंची है। बहुत दुख पहुंचाया उसने हमें भी। और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, अब वो मेरा बेटा नहीं है, देशद्रोही है वो। उसका अंजाम वही होगा जो एक देशद्रोही का होता है। उसे मारकर उसकी लाश चौराहे पर लटकाऊंगा मैं। Let's go.
चला गया वो। अजय जी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। होम मिनिस्टर भागवत चौधरी की बेटी अनिता चौधरी की रिहाई के बारे में अब तक कोई खास संकेत नहीं बने हैं। अनिता चौधरी को एक आतंकवादी संगठन वफाई अलहक ने अगवा किया हुआ है। कुछ जानकारों का कहना है कि पत्रकार आलोक दास सरकार और आतंकवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका करने वाले हैं। सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत कब और कहां होगी, इस बात को गुप्त रखा गया है। अस्सलामु अलैकुम रशीद साहब, प्लीज कम, प्लीज प्लीज कम सर, आइए सर, इस तरफ। रशीद साहब बैठिए ना, प्लीज बैठिए ना। चौधरी सर बातचीत। आलोक दास की गुजारिश पे मुझे यहां आना पड़ा, वरना अपने डिमांड्स रखने के दूसरे जरिए भी हमारे पास। एक, हमारे जिहादी नावेद रब्बानी की रिहाई, 50 करोड़ की रकम, कश्मीर के गवर्नर का तबादला और कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस फौरन खारिज किए जाएं। चुनाव हरगिज खारिज नहीं होंगे और नहीं तुम अपने गंदे मंसूबों में कभी कामयाब होगे। यह आतंकवाद और हथियारों का खेल तुम्हारी मौत बनेगा रशीद, कश्मीर नहीं मिलेगा तुम्हें कभी नहीं। देखो, पहले तुमने सिर्फ नावेद रब्बानी की रिहाई की बात रखी थी, अब तुम्हारी ये नई नई डिमांड्स को। हमने जिस लड़की के सर पर मौत रखी है वो किसी सरकारी स्कूल के चपरासी की बेटी नहीं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की बेटी है। हम उसके सर की कीमत जानते हैं बखूबी। क्या करोगे उसका, मारोगे? मारो, मारो से, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं और ना ही तुम्हारी कोई डिमांड मानी जाएगी। सरकार झुकेगी भी और टूटेगी भी, हम पहले भी ऐसे खेल खेल चुके हैं। पहले भी हमने हिंदुस्तान की सरकार को शिकस्त दी है। 48 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, ना के जवाब में ये भी बता देना कि बेटी की लाश को कहां भिजवाना है हमें। रशीद साहब प्लीज बात तो सुनिए। रशीद साहब संगठन वफाई अलहक और सरकार के बीच चल रही रसाकशी के खेल ने आखिरकार एक रुख ले ही लिया। सरकार ने संगठन की मांग को स्वीकार कर लिया है, वो कुख्यात आतंकवादी नावेद रब्बानी को रिहा करने के लिए राजी हो गई है। सरकार के इस फैसले से जहां आम लोगों को काफी धक्का लगा है, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना विरोध जताया है। उनका मानना है कि नावेद को छोड़कर सरकार देश को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। सरकार का ये फैसला आतंकवादियों का हौसला बढ़ा सकता है और वो देश में अपनी गतिविधियां और तेज कर सकते हैं। चौधरी साहब, आपका फैसला बिल्कुल गलत है। एक खूंखार आतंकवादी को छोड़ रहे हैं आप। सरकार के इस फैसले ने हमारी पार्टी को कलंकित किया है। आपने देश की जनता को चोट पहुंचाई है चौधरी साहब। यह साइन करो। बस एक जान की हिफाजत के लिए हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। अपनी बेटी के प्यार के लिए आप अपने फर्ज और जिम्मेदारी से हट गए। चौधरी साहब, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी।
मैं इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सर, जितना मैं आपको जानता हूं, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि आप ऐसा फैसला कर सकते हैं। नहीं अमरजीत सिंह, यह फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। इसमें भी एक चाल है जो मैं इन सबको नहीं बता सकता। अभी तक ये आतंकवादी हमारे सीनों में गोलियां दागकर जमीन के नीचे बने बंकरों में छिप जाते थे। मैं चाहता हूं कि इस डील में एक बार वो खुले आसमान के नीचे हमारे सिपाहियों के निशाने पर तो आए। उन्हें नावेद रबानी नहीं, मौत मिलेगी मौत। मैंने पुलिस और आर्मी सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दी। और आतंकवादियों पर चलने वाली कोई एक गोली अगर मेरी बेटी के सीने से भी गुजरती है तो कुछ देखी। तभी तक मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में थी और अब मैंने उसे दांव पे लगा दिया है। दरवाजा खोलो। जी सर। चलो अंदर। अंदर चलो। Come on, soldiers, come on. Come on, move faster, faster, come on. Come on, mount your trucks immediately. Come on, come on. Come on, jaldi karo, jaldi karo. भाई का काफिला भी अभी मिलिट्री कैंप से निकल चुका है। कमांडर, काफिला ब्रिज पार कर रहा है। चीफ की मौत का सौदा नहीं कर सकते। तुम्हें इस वक्त सोचना चाहिए, उसकी जिंदगी के लिए यहाँ इसका जिंदा रहना जरूरी है। नुसरत, ठीक कह रहे नुसरत, ये वक्त जुनून से नहीं होश से काम लेने का है। हमें जानना चाहिए कि वो चाहता क्या है।